अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सबक सयाना चूहा में आधे सबक की पढ़ाई की थी। आज हम अपना सबक मुकम्मल करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। चूहे ने खुशामद से कहा, खुशामद यानी झूठी तारीफ, खाला बिल्ली, तुम मुझे भले से खा लेना, मगर पहले मेरी एक बात सुन लो। बिल्ली ने उसे दबोचे दबोचे कहा, यानी पकड़े पकड़े कहा, जल्दी से अपनी बात सुनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चूहे ने कहा, वैसे तो मैं तुम्हारे एक नवाले का हूँ, लेकिन तुमने ये सोचा है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा? क्या मतलब? बिल्ली ने हैरान होकर पूछा। मतलब ये कि तुम इस घर में तब तक हो जब तक मुझे मार नहीं देती। जब मैं नहीं रहूंगा तो मिर्जा साहिब तुम्हें वहीं छोड़ आएंगे जहां से तुम्हें लाए हैं। ये दूध और गोश्त के मज़े तुम्हें फिर ना मिलेंगे, फिर वही अला बला खाने को मिलेगी। अला बला यानी बुरे से बुरा या खराब से खराब। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो और मुझसे दोस्ती कर लो तो हम दोनों इस घर में आराम से रह सकते हैं। चूहे की बात बिल्ली की समझ में आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने बिल्ली का शुक्रिया अदा किया और अपने बिल की तरफ चल दिया। मिर्ज़ा साहिब का मसला वहीं का वहीं रहा। बच्चों, मिर्ज़ा नाम के एक साहिब थे जिनके घर में एक चूहा घुस आया था। उस चूहे ने तमाम घर वालों को बहुत परेशान कर रखा था। चूहे को मारने की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी थीं, लेकिन चूहा किसी तरह मर नहीं रहा था। वो घर वालों को देखते ही बिल में जा घुसता और चूहे दान के तो करीब भी ना आता था। आखिरकार थक हार कर मिर्ज़ा साहिब एक दिन एक बिल्ली खरीद लाए। उन्होंने सोचा कि बिल्ली चूहे को खा जाएगी और चूहे से तमाम घर वालों की जान छूट जाएगी। लेकिन चूहा भी बहुत चालाक था। उसने बिल्ली को देखा तो ज़रा होशियार हो गया और बिल से निकलना कम कर दिया। मिर्ज़ा साहिब और तमाम घर वालों ने इत्मीनान का सांस लिया। वो खुश होकर बिल्ली को रोज़ाना दूध और गोश्त खिलाते। बिल्ली के तो मज़े ही आ गए थे। आखिर एक दिन बिल्ली ने चूहे को पकड़ ही लिया। चूहे ने बिल्ली से कहा कि पहले मेरी एक काम की बात सुन लो, फिर भले मुझे खा लेना। बिल्ली ने कहा, जल्दी बोलो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। चूहे ने उसे पटाते हुए कहा कि वैसे तो मैं तुम्हारे एक नवाले का हूँ, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? बिल्ली ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा ये सब कहने का? चूहे ने कहा कि मतलब ये कि तुम्हें मिर्ज़ा साहिब यहाँ मेरी वजह से लाए थे कि तुम मुझे खा जाओ। जब मैं नहीं रहूंगा तो मिर्ज़ा साहब तुम्हें वहीं वापस छोड़ आएंगे जहां से तुम्हें लाए थे। फिर तुम्हें ये दूध और गोश्त नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें वही खराब से खराब खाने की चीज़ें मिलेंगी। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो इसमें हम दोनों का फायदा है और हम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हैं। चूहे की बात बिल्ली की समझ में आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। इस तरह बच्चों, मिर्ज़ा साहब का मसला जहाँ था वहीं का वहीं रहा। बच्चों, हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आपका आज का होमवर्क ये है कि आज जो आपको जहाँ से सबक पढ़ाया गया है यहाँ से लेकर आखिर तक सबक की पढ़ाई करनी है और अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।